औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मुसलमानों, मैं तुमको आगाह कर दे रहा हूँ ख़तरनाक चाल से, वो जो क्रिश्चियन शैतान की चाल है, जो इस्लाम को दुनिया में पनपने नहीं देना चाहता है। इस्लाम की रूरवा ज़िंदगी जो क़ुरान है, उसके एवज़ उसने अलफुरख़ान नाम से एक किताब अमेरिका के पब्लिशरों ने बनाई, और वो 2001 में अलफुरख़ान नाम से उसको अरबी में और इंग्लिश में उन्होंने प्रिंट किया और लोगों में बांटना शुरू किया। आप कुवैत में अब ये बांट रहे हैं, दुनिया के हर हिस्से में वो जा रहे हैं। और ये अलफुरख़ान हक़ है, इसका नाम अलहक़ है, बोले ऐसा बता रहे। और अल्लाह हमारा खुदा नहीं है, अल्लाह हमारा जो है माबूद नहीं है, अल्लाह हमारा जो है कारसाज नहीं है, जैसा बताना चाह रहे। और इसमें सबसे शैतानी बात यह है कि क़ुरान में हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 113 सूरे में पढ़ते हैं, सूरे जो है सूरे तौबा को छोड़कर। और ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्होंने इस किताब अलफुरख़ान से निकाल दिया, सूरे फातिहा जैसा रखा। अल्लाह सूरे फातिहा के नस्बत से उसके जो क़ुरान का सबसे बड़ा मौजूदा है, क्योंकि इससे पहले की किताबों वालों को अल्लाह नहीं दिया था, ना जोहर के वक्त है, ना तो तलमूद के वक्त है, ना तो कबाला के वक्त में, ना तो आपको जो है तौरा या साम या इंजील के वक्त है। ये मौजूदे वाला सूरा फातिहा अल्लाह ने क़ुरान में दिया, और इसको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के बग़ैर ये बता रहे, और ये बताना चाह रहे कि होली स्पिरिट फादर एंड सन असल जो है इंसान का नज़रिया है, कॉन्सेप्ट है, और जो है ये ईमान रखते हैं हम, और इसी पे हम जीते हैं। इस तरह से ये क्रिश्चियन इंसानों की जन्नत छीनने के लिए ये किताब पूरी दुनिया में शैतानी वार की तरह दुनिया में डाल दी। आपको मैं बता दूं, ये क्रिश्चियन न्यूक्लियर बनाया, ये क्रिश्चियन केमिकल वेपन बनाया, ये क्रिश्चियन जो है सुसाइड बॉम्ब का तरीक़ा शुरू किया 1880 में, और ये क्रिश्चियन आज रोबोट के जैसे सोल्जर्स बना रहा, ये क्रिश्चियन मिसाइल्स बना के इंसान के बगैर लड़ने के जो है इंसानों को मार डालने के जो है पूरे जंग के साजो सामान जो है मुहैया कर रहा दूसरों को, और ख़ुद भी इस पर अमल करके मिसाइल यूज़ कर रहा, केमिकल वेपन यूज़ कर रहा, सुसाइड बॉम्ब यूज़ कर रहा, यहाँ तक के मुसलमानों को ख़रीद ले रहा, नौजवानों के जहनों को मुंतशर करने के लिए वो जो है अलफुरख़ान सामने रख दिया। और हमारा मुसलमान ये समझता है कि जी ये क़ुरान है और ये पढ़ना चाहता है, और भाग जाएगा और जो है अल्लाह के दीन से गुमराह हो जाएगा। अल्लाह हमारी हिफाजत करे। चारों ओर पूरे दुनिया में देखो, मैं मुसलमानों को बता रहा हूँ, मेरे मुसलमान, मैं हर बार तुमको ये बता रहा हूँ, 1000 निशानियाँ मैं बताऊँगा, अल्लाह हक़ है, क़ुरान हक़ है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और सबसे बड़ी निशानी मैं तुमको बताया कि वली अल्लाह ने हमारे इस्लाम में मुर्दों को ज़िंदा किए, जैसे ईसा अलैहिस्सलाम। ईसा अलैहिस्सलाम की ज़ात ऐसी बड़ी नहीं थी कि वो एक मच्छर पैदा करके इंसानों को बता सके। ईसा अलैहिस्सलाम की ज़ात इतनी बड़ी नहीं थी कि जो वो जन्नत और दोज़ख़ बता सके। ईसा अलैहिस्सलाम इन दुनिया में जब इंसान बन के आए तो वो आसमानों में नहीं गए, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए, जन्नत और दोज़ख़ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा। ईसा अलैहिस्सलाम की ये ताकत नहीं है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं अज़ा को जो है दुनिया से उठा दे। ईसा अलैहिस्सलाम की ये ताकत नहीं है कि पूरी दुनिया के अंदर क्रिश्चियनिटी को फैला दे, नौज़ बिल्लाह, उनके अकीदे के अतबार से। हिंदुज़म के अतबार से हिंदुज़म पूरा नहीं फैला सकती दुनिया में, लेकिन अल्लाह की यह बहुत बड़ी खालिस ताकत है कि अल्लाह ने दुनिया था पूरी दुनिया में, यही असल है। और अलफुरख़ान से बचो, दूसरों को बताओ, मुसलमान बन जाओ और अल्लाह के दीन पे चलो। मैं 1000 निशानियाँ दूंगा क्रिश्चियन और जू और हिंदू को, मैं चैलेंज कर रहा हूँ, यहाँ तक के सरदार को भी, मैं जैसे 1000 बता रहा हूँ, कोई भी स्कॉलर बता लो बोलो। ज़ाकिर नायक से मैं इसलिए नफ़रत करता हूँ कि उन्होंने जो है बाइबल को अच्छे से स्टडी नहीं की। बाइबल सेंट पॉल ने दिया, बाइबल 40 लोगों ने दिया, बाइबल 700 साल पहले जो आई थी उसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम था, नहीं बता सकते।
बाइबल को जो है 31 बार बदल दिया गया, अहमद दीदात बताए मरहूम, अल्लाह उनको जन्नत करे। जाकिर नायक का काम चल रहा है इंडोनेशिया में, मलेशिया में धूम है मची हुई, लेकिन उन्होंने असल बात पे, असल बात को जो है कुरीद कर जो है निशानदेही के तौर पे ये नहीं बता सकते कि ईसा अलैहिस्सलाम ने बाइबल नहीं दी। इस वजह से आज क्रिश्चियनों में चार बुकों की बात मशहूर हो रही है। अल फुरखान उनका है क्रिश्चियनों का, बाइबल उनकी है क्रिश्चियनों की, मार्मन क्रिश्चियनों की है, डेनटिक क्रिश्चियनों की है साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से बोल के, और साइंस अल्लाह ताला कह रहा है पूरी मखलूक में 1% बांटा अल्लाह ताला के जहानत के एतबार से, अल्लाह की जो कुदरत वाला 100% है तो उसमें से पूरी मखलूक को क़यामत तक के आने वाली 1% बांटा। और हम मुसलमान ऐसा सूरह के मिडल ईस्ट के अंदर ये लोग अलफुरख़ान बांट रहे हैं और उसमें बिस्मिल्लाह रहमान रहीम नहीं है। देखो असल है अल्लाह मेहरबान है, रहम करने वाला है, करम करने वाला है। और बिस्मिल्लाह से पहले हम औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान पढ़ते हैं, अल्लाह हमको शैतान से बचा। और ये जो फितने का वक्त है 2001 में ये जो बुक छापे लोग दुनिया में आज बांट रहे हैं, इसमें बेटा भी है, इसमें होली स्पिरिट फादर भी है, और अल्लाह का असल वजूद नहीं है। जबकि बाइबल में अल्लाह का भी वजूद है, सीरिया और जो है मैं इजिप्ट की तरह बता रहा हूँ। मेरे मुसलमान जागो, कर सकते तो कुछ करो, वरना मेरे जैसे इंसान रोज़ दुआ करेंगे अल्लाह इस्लाम को चारों तरफ फैला और जो शैतान का जो हुरबा है क्रिश्चियनिटी का उसको नस्तो नाबूद कर दे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर।